दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर जो ये हथियार देख रहे हैं ये वो ही हथियार है जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध के नक्शे को पूरी तरीके से बदल दिया है। और कैसे ये हथियार भारत में आने वाला है आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों इसी हथियार की वजह से दो दिन का युद्ध आज 56 दिन तक खींच गया है और आज भी इसी हथियार की मदद से यूक्रेन की सेना रूस की कमर तोड़ रही है। रूस ने जंग शुरू करने से पहले ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि यूक्रेन के पास ये हथियार भी मौजूद होगा और इसी हथियार की बदौलत आज यूक्रेन ने रूस के करीब 650 टैंकों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और इस हथियार का नाम स्टार स्ट्रीक है। इस हथियार को ब्रिटेन में बनाया गया है और ये एक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है और इस हथियार के सामने दुश्मन देश के फाइटर जेट, ड्रोन, टैंक कुछ भी नहीं बच पाते हैं। ये डिफेंस सिस्टम एंटी टैंक मिसाइल की तरह ही काम करता है लेकिन ये एंटी टैंक मिसाइलों से बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट डिफेंस सिस्टम है और इस सिस्टम में मिसाइलों की जगह पर 3 तीरों का इस्तेमाल किया जाता है और ये तीर लेजर गाइडेड तीर होते हैं और इस सिस्टम को किसी भी काउंटर मेजर अटैक से जाम नहीं किया जा सकता और इस हथियार का निशाना कभी भी नहीं चूकता है क्योंकि इसमें जो 3 तीर लगे हुए हैं वो टंगस्टन एलॉय की मदद से बने हुए हैं और टंगस्टन मेटल से बने हुए होने की वजह से ये तीर किसी भी हथियार को आराम से चीर कर रख सकता है। चाहे इस हथियार के सामने दुश्मन देश का टैंक आ जाए चाहे दुश्मन देश का हेलीकॉप्टर आ जाए इस हथियार से बचना बिल्कुल असंभव है। और इस हथियार का स्पेशली जब इस्तेमाल किया जाता है जब दुश्मन देश का फाइटर जेट उड़ने वाला हो उस दौरान इस हथियार की एक्यूरेसी 100% होती है और इन तीरों के अंदर 500 ग्राम का वॉरहेड भी लगा होता है जिसकी मदद से ये तीर दुश्मन देश के टैंक को पूरी तरीके से उधेड़ने के बाद फिर वहां पर बड़ा धमाका करते हैं। और ब्रिटेन ने इस तरीके के 3 लॉन्चर को डिजाइन किया है। एक लॉन्चर ट्रक पर माउंट होता है, दूसरा लॉन्चर टैंक पर माउंट होता है और तीसरा लॉन्चर मैन पोर्टेबल होता है और ये तीनों के तीनों लॉन्चर ही लेजर गाइडेड होते हैं जिस वजह से दुश्मन देश का बच पाना बिल्कुल असंभव होता है। और इस हथियार की रेंज मात्र 10 किलोमीटर होती है। और दोस्तों आप सभी काफी अच्छे से जानते हो कि 22 अप्रैल को बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आने वाले हैं और अब भारत रूस से S-400 लेने के बाद इस स्टार स्ट्रीक डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है और इसे खरीदने के पीछे रीजन यह बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इस तरीके के नए हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती है और ये हथियार पहले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपना लोहा मनवा ही चुका है और अब अगर बोरिस जॉनसन के साथ इस हथियार की डील फाइनल हो जाती है तो आने वाले समय में ये हथियार आपको भारत के पास भी मौजूद मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस हथियार को लेना चाहिए या फिर नहीं, आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।